मिर्जापुर विंध्याचल विकास प्राधिकरण महायोजना में आपत्तियों का निस्तारण सुनवाई की जा रही है। नगर को नए तरीके से बसने के लिए ये महायोजना बनाई गई है। इस महायोजना को लेकर मांगी गई आपत्ति पर करीब 3300 लोगों ने आपत्ति दाखिल की, जिस पर 28 जुलाई तक सुनवाई की जाएगी। प्रत्येक दिन 450 लोगों को बुलाया गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। आपको बता दें, इसके तहत लोगों से बनाए गए नक्शे पर आपत्ति और सुझाव मांगा गया था, जिस पर सुनवाई 19 जुलाई से आरंभ की गई, जो 28 जुलाई तक की जाएगी। गंगा किनारे बसे मिर्जापुर नगर विंध्याचल धाम में गंगा तट से 200 मीटर की दूरी पर ही निर्माण किए जाने के आदेश के चलते लोगों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, जिसके तहत सुनवाई की जा रही है, जिस पर 5 सदस्यों की टीम अपना निर्णय सुनाएगी। नगर की आबादी बढ़ने के साथ ही आवासीय भूखंड भी बढ़े हैं, लिहाजा महायोजना के तहत पुराने समय के आधार पर बने नक्शे के चलते नया मकान बनवाने वालों के सामने विकट समस्या खड़ी हो गई। परेशान लोगों ने इस महायोजना को लेकर अपनी आपत्ति दाखिल की है। अब देखना है कि आगे क्या निर्णय लिया जाता है। 2002 में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का एक मैप बना, जो ऑनलाइन गूगल से उन्होंने देख करके उत्तर प्रदेश के जो इसके अधिकारी रहे होंगे वो लखनऊ से बना दिए। भौतिक सत्यापन उन्होंने नहीं किया। उस बीच जो है जहां लैंड खाली थी वो आवासी हो गया, वो बन गया मकान। लालबाग कॉलोनी, जिस कॉलोनी से हम लोग आते हैं छोटी बसई में, कम से कम सैकड़ों मकान हैं, जिनके उन सैकड़ों मकान में सभी लोगों ने अपना वो बनवाया है नक्शा, और नक्शे के तहत सरकार के जो गाइडलाइन है उसके तहत सब लोगों ने मकान बनवाया। उसके बाद एक बार पेपर में आया कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर के और गंगा के किनारे वाला, तो उसमें लोगों में बड़ी आपत्ति वो था कि क्या होगा इसमें। तो जब मैं जिलाधिकारी से बात किया तो उन्होंने कहा आपत्ति डाली जा रही है, आपत्ति डाल दिया जाए, उसकी एक सुनवाई हुई। उसी सुनवाई के तहत आज यहाँ हम लोग आए हैं। जनपद की बात करें तो कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, अगर हम पूरे क्षेत्र की बात कम से कम छोटी बसही के टोटल तो पूरा जनपद सीवर ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से लगभग पूरा जनपद प्रभावित है। नगर का सभी पास इलाका प्रभावित है, इससे लोग भयभीत थे। लेकिन जब जिलाधिकारी महोदय, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय और खुद विकास प्राधिकरण के लोगों ने इसको बताया तो लोग समझ गए, और आज उसी के तहत ये सुनवाई हो रही है। होना मिर्जापुर विंध्याचल विकास प्राधिकरण की 2031 को ध्यान में रखते हुए जो महायोजना बनी है, ये उसका प्रारूप इस समय प्रकाशित किया गया है। मई में इसमें आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे, जिसमें 3500 से ज़्यादा आपत्तियां और सुझाव आए। अब यहाँ 19 जुलाई से 28 जुलाई तक जो शासन के द्वारा निर्धारित कमेटी है, जिसमें 5 सदस्य होते हैं, एक शासन स्तर के होते हैं, एक टाउन प्लानर के होते हैं, और एक कमिश्नर महोदय के होते हैं, एक उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण के होते हैं, और एक ईओ नगर पालिका होते हैं। तो सारे सदस्यों की उपस्थिति में यहाँ पे क्रमवार बुलाया जा रहा है। तो 3500 पत्तियों को हमने 450 लोगों को एक दिन में सुनवाई का अवसर दिया है। एक दिन सुनवाई के पूरे हो गए। आज भी आप देख सकते हैं कि लोग आए हैं और अपनी आपत्ति के समर्थन में यदि कोई साक्ष्य है अथवा वो अपनी कोई अतिरिक्त बात कहना चाहते हैं वो आकर के कमेटी के सामने कहते हैं, और फिर सारी सुनवाई पूरी हो जाएगी। फिर कमेटी अपनी उसकी समीक्षा करके जो भी उसके सुझाव या विचार बनेंगे वो बोर्ड, जो विकास परिषद का बोर्ड होता है कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में, वहाँ पर ही रखे जाएंगे।